हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 9 ऐप और प्ले स्टोर की तरह वेबसाइट बनाने सिखाऊंगा। कुछ इस तरह का वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो जहां पे यूजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है, .apk फाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो यूजर इंटरफेस देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका वेबसाइट का लुक होगा। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आएगा आपका एप्लीकेशन शो होगा। तो आप कुछ इस तरह का अपना एप्लीकेशन का वेबसाइट बना सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हो कुछ साइट में आपको कैटेगरी दिखेगा, कौन सा कैटेगरी में आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता है यूजर। कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ पे गेम पे क्लिक करेगा तो गेम का कैटेगरी आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एडसेंस का आप ऐड भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे एडसेंस का ऐड भी लगा हुआ है, तो आप अपनी इस वेबसाइट के अंदर एडसेंस का ऐड लगा करके आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए अपने वेबसाइट पे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका खुद का वेबसाइट बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक एप्लीकेशन मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। नेटफ्लिक्स पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड APK का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे वर्जन आ जाएगा कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, वो सारे यूजर सेलेक्ट कर सकता है। बीच में एड्स आएगा, गूगल एडसेंस का देख सकते हो इतने सारे एड्स आ रहे हैं, ये सारे स्क्रीनशॉट आएगा, ये उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह, सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ API से लिंक रहता है। आप प्ले स्टोर से सब कुछ फैच कर लेगा, आपको डालने की जरूरत भी नहीं है। तो सब कुछ एडमिन पैनल से आप कर सकते हो। तो आपको इसका एडमिन पैनल मिलता है पावरफुल, जहाँ से पूरा कंट्रोल करते हो आप अपने वेबसाइट को। नीचे आपको सिग्नल एप्लीकेशन मिल जाता है, इससे रिलेटेड ये सारे कॉमेंट वगैरह भी कर सकता है यूजर लॉग इन करने के बाद। तो कुछ इस तरह का ये आपका वेबसाइट है। तो अगर आप इस तरह का अपना खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपके पास डोमेन होस्टिंग और स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो मेरे पास डोमेन होस्टिंग स्क्रिप्ट तीनों चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मेरा होस्टिंग यहाँ पे ओपन है, सी पैनल के अंदर यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को अपलोड करके एक्सट्रैक्ट भी कर दिया है। तो आपको कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब भी आप स्क्रिप्ट को डाउनलोड करेंगे तो आपको जिप फाइल मिलेगा, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह का आपको आ जाएगा फाइल। उस पर दो आपको फाइल्स यहाँ पे दिखेगा, कोड्स डॉक्यूमेंटेशन। आपको कोड्स का जो फाइल है इसको ओपन करना है और कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके आपको जिप फाइल बना देना है। यहाँ पे एड टू आर्काइव पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे नाम देंगे और जिप पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जिप फाइल बन जाएगा। वो सी पैनल के अंदर आकर के जिप फाइल को अपलोड कर देना है। तो फिर अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट नहीं है, तो अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। फाइल एक्सट्रैक्ट करने पर आपको डोमेन ओपन करना है। डोमेन ओपन करेंगे तो DCM इंस्टॉलेशन कुछ इस तरह का है, वेलकम पेज, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी सारे क्लीन है, ओके। कोई भी अगर आपके पास सही रहता है तो कॉमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसका परमिशन का पेज ओपन होगा, जहाँ पे परमिशन देख सकते हो सब कुछ ग्रीन आ रहा है, रेड आता है तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट के थ्रू। उसका नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद डाटाबेस इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होगा, आपको डाटाबेस फिल करना होगा डाटाबेस बना करके। तो ये कहाँ से बनाएंगे, ये हम बनाएंगे अपने सी पैनल से। तो सी पैनल पर जाएंगे, MySQL डाटाबेस यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम एक यूजर देंगे, कुछ भी दे देते हैं जैसे कि प्ले स्टोर, ओके। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। उसका यूजर भी हम क्रिएट करेंगे, एक जनरेट करेंगे यहाँ से पासवर्ड, पासवर्ड को हम कॉपी करेंगे यहाँ से। उसके बाद इस पासवर्ड को रिप्लेस करेंगे, प्लेस करेंगे दोनों बॉक्स के अंदर। उसका क्रिएट यूजर पे हम क्लिक कर देंगे, उसको एल परमिशन देंगे यहाँ पे और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिलअप करेंगे, यहाँ पे होस्ट नेम में लोकल होस्ट रहेगा, यूजर नेम देना है, यहाँ पे पासवर्ड। सबसे पहले हमने पासवर्ड को कॉपी कर रखा है इसलिए पासवर्ड में फिल कर दिया यहाँ पे। उसको यूजर पे क्लिक करेंगे तो यूजर यहाँ पे आ जाएगा मेरा। यहाँ पे देख सकते हो यूजर, यूजर नेम और डाटाबेस नेम मेरा दोनों सेम है। तो आपका सेम है तो छोड़ देना है, सेम ही डालना है उसका, इसमें डिफॉल्ट जो भी रहने देना। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है ये फिलअप करने के बाद। तो इंस्टॉल आपका लगभग हो चुका है। उसको ऐप का नाम यानी आपका वेबसाइट का नाम क्या देना चाहते हो, और नाम यहाँ पे दे देंगे जो भी आप देना चाहते हो, चेंज कर सकते हो यहाँ से। और ये आपका वेबसाइट का URL यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, उसका इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो स्क्रिप्ट है इंस्टॉल हो चुका है, वेल डन यहाँ पे आ गया है। उसका लॉगिन आप कर सकते हो, यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपका वेबसाइट इंस्टॉल हो चुका है, लाइव हो चुका है। देख सकते हो मेरे डोमेन पे ये मेरा वेबसाइट लाइव हो चुका है। यहाँ पे गो अहेड पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये सारे आप एक्सेस कर सकते हो एडमिन पैनल से। तो एडमिन पैनल का लॉगिन क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट ओपन करके। तो उसके बाद देख सकते हो डिफॉल्ट यूजर अकाउंट का जो यूजर पासवर्ड है यहाँ पे एडमिन, और पासवर्ड में येलो 2019 है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं अपनी वेबसाइट पर और दिखा देते हैं आपको एडमिन पैनल। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूजर में एडमिन और पासवर्ड में टाइप करेंगे और साइन इन पे हम क्लिक कर देंगे।
तो हमारा देख सकते हैं एडमिन पैनल लॉगिन हो चुका है। माय प्रोफाइल गो टू एडमिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका एडमिन पैनल होगा आपका इस वेबसाइट का, जहाँ से पूरा आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड, सेटअप, एप्स, यूजर मैनेजमेंट, कैटेगरी, पेज, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से लगा सकते हैं, एड्स लगा सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसका आगे का पार्ट टू वीडियो बनाएं तो कमेंट कर सकते हो, मैं इस वीडियो में पूरा आगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कुछ इस तरह का कैसे आप अपना प्ले स्टोर 9 एप्लीकेशन की तरह वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो देखकर कुछ नया सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे स्किप थीम प्लगइन शॉर्ट्स कोड फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ से आप कोई भी स्किप थीम प्लगइन शॉर्ट्स कोड बाय कर सकते हैं चीप प्राइस में, और बहुत सारे फ्री में भी फाइल्स अवेलेबल है हमारे स्टोर पे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको स्किप इंस्टॉल करने में, वेबसाइट बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या तो वीडियो नीचे कॉमेंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय।